हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे पास दो लालटेने हैं और पुरानी और नई दो लेसेस हैं और ये फ्लावर भी है और ये सब मटेरियल है। देख लीजिए मैंने इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये लालटेने हैं, मैं दिवाली का डेकोरेशन कर रही हूँ जो कि वॉल हैंगिंग के लिए भी बहुत अच्छी है। आप इसको गार्डन में भी हैंग कर सकते हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। फेस्टिवल के सीज़न में आप सबको ये सब चीज़ें बनाना बहुत पसंद है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे बनाए हुए। मेरे पास ये जो लेसेस थी तो मैंने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया। जब मैंने इस पर फैब्रिक ग्लू किया तो बहुत टाइम लग रही थी इसको चिपकाने में, तो फिर मैंने ग्लू गन, हॉट ग्लू गन का इस्तेमाल किया हुआ है इसमें, और उसे तुरंत लग गए। और ये देखिए मेरे पास ये थी थोड़ा सा, ये मोती, ये लटकन टाइप की है लेस जो मैंने इसको नीचे की तरफ से लगाया हुआ है। आपके पास अगर दूसरी लेसेस भी है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और नीचे की तरफ से ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम हैंग करेंगे तो ये नीचे की तरफ लटका रहेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपके पास भी इस तरह का लैंटेन है तो उसको डेकोर कीजिए और अपने घर को भी सजाइए। और किन किन लोगों को दिवाली में अपने घर को सजाने पसंद है वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लैसे के बीच में मैंने इसमें वाल पुट्टी का भी मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, वो देखिए देखिए। तो ऐसे ही मैंने ग्लू गन की सहायता से चारों तरफ से मैंने लैसे चिपका लिया हुआ है जो कि बहुत ही आसानी से ये चिपक जाता है और ये जल्दी निकलेगी भी नहीं। और फेविकॉल की सहायता से अगर आप लगाते हैं तो बहुत देर तक उसको फिर से हाथों से दबा के रखना पड़ता है, उससे थोड़ी सी इसको करने से टाइमिंग थोड़ी बचत होगी। और ये देखिए कैसे लग गया है। और ये देखिए ऊपर में जो डिज़ाइन मेरा झरोखा का डिज़ाइन है, मैं उसको भी थोड़ा सा डेकोरेशन करूँगी और बहुत ही सुंदर लगे। मैंने इसमें छोटी वाले मिरर लिया हुआ है और देखिए कुछ करना नहीं, वाल पुट्टी का मैंने पेस्ट बनाया हुआ है और बीचों में ऐसे डालते गई हूँ और बीच में मैंने मिरर चिपकाते गया हुआ है। और जिस साइज़ के आपको मिरर लगानी है उस साइज़ के आप मिरर लगा सकते हैं। अगर आपके पास से ये वॉल पुट्टी नहीं है, मिरर नहीं है, तो आप पतली वाली जो लेस आती है जो डोरिया डिज़ाइन की होती है, आप उसको भी ऐसे ही झरोखा वाले डिज़ाइन पे चिपका कर उसको डेकोर कर सकते हैं और फ्लावर से भी डेकोर कर सकते हैं। और ये देखिए ऐसे ही मैंने चारों तरफ मैंने डेकोर कर लिया हुआ है जो झरोखा का डिज़ाइन है। ये गोल्डन कलर की है, गोल्डन पे वाइट बहुत ही अच्छी लग रही थी जब मैंने इसे वॉल पुट्टी का कोन बनाकर जब इस पे बनाया हुआ था तो। और ये 5 मिनट में दोस्तों बन के तैयार हो जा रही है। आप ऐसे ही अपने बालकनी वगैरह में घरों में आप सजा सकते हैं, 8-10 लगा दीजिए जो कि बहुत ही सुंदर लगेगी। और अंदर में इसमें लाइट के देखिए दिया हुआ है, आप इसमें लाइट डालकर इसको हैंग कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको दोनों, मेरे पास दो थी ऐसे लैंटेन तो मैंने दोनों में सेम ही डिज़ाइन ऐसे ही बनाया हुआ है। ऊपर में भी मैंने लेस को लगा दिया हुआ है और ऐसे मैंने डिज़ाइने चारों तरफ से दे दिया हुआ है। ये इतना इजी है कि छोटे बच्चे भी बना सकते हैं, एकदम छोटे नहीं, थोड़ा बड़े बच्चे बना सकते हैं, इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो ये 5 मिनट का DIY है जो कि दिवाली के लिए डेकोर के लिए बेस्ट आइडिया है। प्लीज़ आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आपके पास अगर इस तरह के लालटेन हो तो। और इस पर छोटी बड़ी मिरर आप अपने हिसाब से चिपका सकते हैं। और ये देखिए मैंने सेम ऐसे ही चारों तरफ से मैंने बनाया हुआ है, कुछ डिज़ाइन अलग नहीं दिया है, यह बहुत रफली ही इस्तेमाल हुआ है और बनने के बाद तो बहुत ही अच्छी लग रही है। और इसको एक दिन सूखने के लिए रख दीजिए, वाल पुट्टी अच्छी तरह से सूख जाए नहीं तो ये झड़ने लगती है। और मैंने चारों तरफ ऐसे में छोटा छोटा मिरर ही लगाया हुआ, ज़्यादा बड़ा मिरर नहीं लगाया हुआ है। और इतनी जल्दी ये बन जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगी कि इतनी सारी मैंने कितने जल्दी बना लिया है, क्योंकि ये सब आइटम बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, पर इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। ये 5 मिनट में आपकी लैंटेन तैयार हो जाएगी और देखने वाले भी पूछेंगे आपने कहाँ से लिया हुआ है। तो देखिए कैसी लग रही है। और मेरे पास ये कौड़ी था तो मैंने कौड़ी भी इसमें लगा दिया हुआ है, तो बताइए कैसी लग रही है। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जो नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।